हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं ऑपरेटर्स इन सी। फ्रेंड्स, ऑपरेटर्स इन सी, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट स्पेसिफाइज द अरिथमेटिकल, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, तो ऑपरेटर एक प्रकार के सिंबल हैं जो कि ये स्पेसिफाई करते हैं कि रिलेशनल या अरिथमेटिक या कौन सा ऑपरेशन आपका परफॉर्म होने वाला है। ठीक है, ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल होते हैं जो ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो किस प्रकार का है, अरिथमेटिक है या लॉजिकल है या रिलेशनल ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो ऑपरेटर ऐसे सिंबल होते हैं जो ये स्पेसिफाई करते हैं कि आपका ऑपरेशन अरिथमेटिक है या लॉजिकल है या फिर रिलेशनल ऑपरेशन है। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी हैं। आप ये लिख सकते हो कि एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट स्पेसिफाइज द अरिथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल विच हेल्प्स द यूजर टू कमांड द कंप्यूटर टू डू अ सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस। ठीक है, तो दोस्तों ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल होते हैं जो यूजर को कमांड करते हैं कि कंप्यूटर में आप मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल शब्दों में कहें तो ऑपरेटर की हेल्प से यूजर कंप्यूटर पे मैथमेटिकल या लॉजिकल मैनिपुलेशन या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन सी लैंग्वेज टू ऑपरेट ऑन डेटा एंड वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो डेटा और वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, क्लियर। ऑपरेटर्स नेक्स्ट आप देख सकते हो, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। तो सी लैंग्वेज में जो ऑपरेटर है उसकी हेल्प से आप बहुत बड़ा अगर एक्सप्रेशन दे रखा है उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों अगर ये मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं, अरिथमेटिक एक एक्सप्रेशन है जेड इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी। तो दोस्तों इस प्रकार के अरिथमेटिक जो एक्सप्रेशन है इसको भी आप इवेल्युएट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इसमें आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। ठीक है, और फाइनली रिजल्ट जो आपका टोटली है वो स्टोर हो रहा है वेरिएबल जेड में। ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन इन सी। तो ये मैं बता चुका हूं कि ऑपरेटर की हेल्प से बहुत बड़ा अरिथमेटिक या कोई एक्सप्रेशन दे रखा है उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज हैज अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स विच कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वे। तो फ्रेंड्स, सी हैज अ रिच सेट ऑफ, इसका मतलब क्या है, सी लैंग्वेज में बहुत से प्रकार के ऑपरेटर्स यूज होते हैं जो कि हम इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सी लैंग्वेज रिच है ऑपरेटर के फील्ड से, ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब है कि सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स बहुत प्रकार के यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए सी ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज है, बाकी अदर लैंग्वेजेस की मदर है। ठीक है, जननी है। क्लियर, तो दोस्तों ऑपरेटर की हम बात करते हैं तो सबसे पहला आपका ऑपरेटर आ सकता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, फिर है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंटल, डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो दोस्तों बहुत प्रकार के ऑपरेटर हैं, तो इनको हम एक क्लासिफिकेशन डायग्राम से देख सकते हैं। तो दोस्तों बाइनरी ऑपरेटर जो हैं वो आपके क्लासिफाइड हुए हैं, यही मैंने जो अभी आपको बताया यही एक क्लासिफाइड डायग्राम से देख सकते हैं आप। अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, रिलेशनल, बिट वाइज, इंक्रीमेंटल, डिक्रीमेंटल, ये आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइक एडिशन। तो दोस्तों अरिथमेटिक का नाम ही होता है, अरिथमेटिक का मतलब ही होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस प्रकार के ऑपरेशन, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, ये सभी ऑपरेशन है, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं। तो दोस्तों अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले ऑपरेटर हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, ये जो ऑपरेटर आपके हैं ये सब
अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है। दीज ऑपरेटर्स आर कंसिडर्ड एज बेसिक ऑपरेटर्स एंड नोन एज बाइनरी ऑपरेटर। तो दोस्तों ये एक नोट पॉइंट है, आपके कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि विच ऑपरेटर इज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर, तो आप कह सकते हो अरिथमेटिक जो ऑपरेटर आपके हैं वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर। दे रिक्वायर टू वेरिएबल्स टू बी इवेल्युएटेड, ठीक है। तो दोस्तों अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपको कम से कम दो वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे हमें करना है c इक्वल टू ए प्लस बी। अगर दोस्तों आप देख सकते हो कि दो नंबरों को एडिशन करना है तो a और b के बीच में आपने प्लस ऑपरेटर यानी एडिशन का ऑपरेटर प्लेस किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ, इसका मतलब है ए वेरिएबल ए और वेरिएबल बी का कंटेंट आपस में जुड़ जाए और जुड़ के जो फाइनल रिजल्ट है वो सी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ये इस स्टेटमेंट का मतलब है, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों आपके ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप एग्जांपल के थ्रू इसको देख सकते हो, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसको डिटेल से कैसे डिनोट कर सकते हो, डिटेल में कैसे बता सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। देयर आर सम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड विद एन एग्जांपल, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो प्लस ऑपरेटर है वो एडिशन के लिए है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, इफ ए इक्वल टू बी, सॉरी इफ ए इक्वल टू फाइव है और बी इक्वल टू फोर हो तो आपका C इक्वल टू ए प्लस बी एडिशन परफॉर्म करना हो तो C की वैल्यू 5 प्लस 4 9 आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो ऑपरेटर है, इस प्रकार से आपका एडिशन ऑपरेटर काम करता है। अब दोस्तों इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर करना हो तो दोस्तों माइनस जो ऑपरेटर है वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, C इक्वल टू ए माइनस बी कर देंगे, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, तो दोस्तों जो रिजल्ट है यानी सब्ट्रैक्शन है वो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्लियर। अगला दोस्तों मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन आपका एस्ट्रिक जो है स्टार कंप्यूटर कीबोर्ड पे जो की होती है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों इसको एक्सप्रेशन लिखेंगे C इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। अब दोस्तों डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं ये ऑपरेटर, ठीक है, आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में इस प्रकार का ऑपरेटर यूज दिया होता है और वैसे हम यूज करते हैं इस प्रकार का ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटर क्या है, डिवीजन ऑपरेटर है, क्लियर। तो दोस्तों अगर हमें डिवीजन करना हो तो a इक्वल टू 20 हो, b इक्वल टू 4 हो, तो दोस्तों c इक्वल टू a बाई b कर दिया मैंने, तो c इक्वल टू 20 बाई 4 इक्वल टू c बराबर की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो आपका जो डिवीजन होकर रिजल्ट आ गया c में। अब दोस्तों अगर आपको परसेंट निकालना हो, ठीक है, तो जो परसेंट का आपका ऑपरेटर है ये फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर आप कह सकते हो, ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए अगर पूछा जाए तो ऐसे निकाल सकते हो। तो दोस्तों रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, ठीक है। तो दोस्तों अगर a बराबर 5 हो, b बराबर 4 हो, तो हमें c इक्वल टू a रिमाइंडर b निकालना हो, तो 5 का 4 से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 4 एक 4 एक बचा शेषफल, ठीक है, तो c की वैल्यू 1 आ गई। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल के थ्रू सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्लियर। तो ये आप याद रखना कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, क्लियर। ये आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसको एक नोट पॉइंट याद रखना, ठीक है, क्लियर। तो फ्रेंड्स ये जो कंटेंट हम बता रहे हैं आपके लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ही, खासकर जो बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर आपका यूजीसी नेट हो कंप्यूटर साइंस का, या फिर आप एनआईएलटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका केवीएस है, एनवीएस है, या डिफरेंट कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। और आजकल मोस्टली एग्जाम्स में कंप्यूटर से 5 या 6 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, तो उसमें दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑपरेट अपॉन एन एक्सप्रेशन एंड इवेल्युएट इट टू फाइंड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो दोस्तों जो आपका रिलेशनल ऑपरेटर है ये किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पे काम करते हैं और ये पता करते हैं कि जो एक्सप्रेशन दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों। तो अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो हम बोलते हैं वन, ठीक है, और अगर वो एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो वैल्यू आती है जीरो। क्लियर? इसलिए कंप्यूटर जीरो वन पे काम करता है, यानी ऑफ और ऑन कह सकते हो, फॉल्स या ट्रू कह सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट लाइन से लिखा है सम रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बीइंग रिटन। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो हम आपको बता रहे हैं, उनको याद रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स इधर ये आपके टेबल में ऑपरेटर्स हैं इसकी, और दूसरी तरफ इसकी मीनिंग लिखी हुई है, क्लियर। तो दोस्तों ये जो आपका ओपन एंगुलर ब्रैकेट है इसको बोलते हैं इज लेस देन, ठीक है, इज लेस देन। तो आपको अगर सपोज दो वेरिएबल है मेरे पास हैं ए एंड बी, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बीच में अगर आपने ये सिंबल लगा दिया ओपन एंगुलर ब्रैकेट, तो इसका मतलब हो गया अभी देखो आपके दो वेरिएबल थे ए एंड बी, और आपने इस ओपन एंगुलर ब्रैकेट को बीच में प्लेस कर दिया, तो इसका मतलब हो गया द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ बी। इसका मतलब है ए की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू से छोटी है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एंगुलर ओपन एंगुलर ब्रैकेट है इसका मतलब है इज लेस देन, ठीक है। अगला दोस्तों जो आपका ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर, उसका मतलब है लेस देन इक्वल टू। तो दोस्तों इसको बोलते हैं ये लेस देन इक्वल टू इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस ऑपरेटर का ओपन आपका एंगुलर ब्रैकेट है और इक्वल टू सिंबल लगा हो तो इसको बोलते हैं इज लेस देन इक्वल टू। तो दोस्तों कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा आपका ओपन एंगुलर ब्रैकेट उसके नीचे एक डैश लगा होगा, तो ये भी उसी का मतलब है, ठीक है। अगला फ्रेंड्स है क्लोज एंगुलर ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है इज ग्रेटर देन, ठीक है। और दोस्तों दूसरा ऑपरेटर है क्लोज एंगुलर ब्रैकेट और इक्वल टू लगा हो तो इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। दोस्तों इक्वल इक्वल टू दो बार लगा हो तो इसका मतलब है इज इक्वल टू, ठीक है, दो बार लगा हो तो इसका मतलब है इक्वल टू, ठीक है। और दोस्तों नॉट आपका ऑपरेटर लगा हो उसके बाद इक्वल लगा हो तो इसका मतलब है इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो इसका मतलब है इज नॉट इक्वल टू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये ऑपरेटर देख सकते हो, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर थे, ठीक है। इस चीज को आप एक सी प्रोग्राम के हेल्प से देख सकते हो, तो फ्रेंड्स एक सी का प्रोग्राम देख सकते हो, टू इंटीजर्स नंबर आर इनपुट थ्रो द कीबोर्ड फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपको ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाना है सी लैंग्वेज में, यूजिंग सी लैंग्वेज, कि आपको दो इंटीजर नंबर्स इनपुट के थ्रू प्रोवाइड किए जाएं कंप्यूटर कीबोर्ड से और आपको उसमें ग्रेटर नंबर पता कर दिया जाए, ग्रेटर नंबर आपका कंप्यूटर प्रोग्राम बताए। तो दोस्तों हमने हेडर फाइल यूज किया कंसोल इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो दोस्तों stdio.h आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, और कंसोल इनपुट आउटपुट इसको बोलते हैं दोस्तों बोलते हैं कोनियो, CONIO, तो कोनियो को कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल कहते हैं। अगला दोस्तों वॉइड मेन, तो आप जानते हो मेन फंक्शन है, फिर हमने ओपन करली ब्रेस लगाया, उसके बाद दो वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर टाइप के ए और बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने प्रिंट करा दिया लाइन कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो फ्रेंड्स दो वैल्यू कीबोर्ड से हमें इंटर करानी है, इसलिए मैंने प्रिंटअप कमांड चला दिया और दो वैल्यू इंटर करने के लिए प्रिंटअप कमांड चला दिया, ठीक है। अब दोस्तों जो यूजर वैल्यू कीबोर्ड से इंटर करेगा उसको हम क्या करेंगे, मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें scanf कमांड चलानी पड़ेगी। तो दोस्तों scanf %d% दो बार इसलिए यूज किया क्योंकि दोनों नंबर ए और वी किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो डेटा टाइप की भी जरूरत पड़ी तो इंटीजर टाइप के हैं, इसलिए मैंने %d% दो बार लगा दिया। उसके बाद डबल क्वाड में बंद किया, कॉमा लगाया, %a and %b लगा दिया। तो दोस्तों %a and %b का मतलब ये है कि ए और बी की जो लोकेशन मेमोरी लोकेशन है उसमें जो कीबोर्ड की वैल्यू इंटर किया था कीबोर्ड से यूजर ने ए और बी की, वो वैल्यू स्टोर हो जाए। अब दोस्तों हम एक लॉजिक लगाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर हुई तो दोस्तों प्रिंट कर देंगे ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। इल्स, इल्स का मतलब होता है अदरवाइज या अथवा, तो अथवा में क्या लिखेंगे, प्रिंट ऑफ बी इज ग्रेटेस्ट। तो दोस्तों अगर दो आपके पास वेरिएबल है तो ए नहीं बड़ा है तो बी बड़ा होगा, अगर बी नहीं बड़ा तो ए बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लिख दिए बी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। और गेट सी एच हमने रिजल्ट डिस्प्ले के लिए लगा दिया और क्लोज करली ब्रेस लगा दिया, तो ये आपका सिंपल सी प्रोग्राम बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको सी कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करके भी देख लेना, ठीक है दोस्तों। मेरे द्वारा ये जितने प्रोग्राम बनाए जा, आपको बताया जा रहा है, बताया मैं बता रहा हूँ, वो सभी कंपाइल्ड हैं, उनका अच्छी तरीके से आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मैं सभी उनको रन करके देख चुका हूँ, ठीक है।
अब इसका दोस्तों आउटपुट विंडो कैसे आएगी, तो आउटपुट विंडो में देखो आपका जब जैसे ही कंपाइल करोगे इसको दोस्तों तो आपके पास स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन आएगी जिसको बोलते हैं कंसोल विंडो, उसमें दोस्तों आएगा इंटर द नंबर्स, ठीक है। तो आप 6 और 3 सपोज इंटर किए तो दोस्तों उसमें आ जाएगा ए की वैल्यू आपने 6 दिया और बी की वैल्यू 3 इंटर किया तो दोस्तों इसमें आ जाएगा ए इज ग्रेटेस्ट, तो ये आपका आउटपुट है। अब दोस्तों तो ये प्रोग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, अगर दोस्तों कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट लिख के हमें बताइए, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, नेक्स्ट आपका ऑपरेटर है लॉजिकल, ठीक है। तो फ्रेंड्स लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑपरेट अपॉन टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस टू बिल्ड मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन विच आर आइदर ट्रू और फॉल्स। तो दोस्तों जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं वो दो लॉजिकल एक्सप्रेशन पे काम करते हैं, ठीक है, और पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये वैल्यू बताते हैं कि वो एक्सप्रेशन सही है या गलत है, ठीक है। तो दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर में जो आपका लॉजिकल, सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल एंड, तो दोस्तों दो इंपरसेंट यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, क्लियर। लॉजिकल ऑपरेटर आपके लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, तीन प्रकार के बेसिक हैं, ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका है लॉजिकल एंड, तो दोस्तों लॉजिकल एंड ऑपरेटर कंबाइंस टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस इन सच अ वे दैट द रिलीवेंट एक्सप्रेशन गिव्स दैट ओनली इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू आउटपुट तभी देगा जब दोनों आपके जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू हों, क्लियर। मींस दोनों आपके स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी लॉजिकल एंड आपका ट्रू आउटपुट देगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो दोस्तों इट इज डिनोटेड बाय इंपरसेंट, दो बार इंपरसेंट आप लगाओगे तो इस सिंबल से डिनोट किया जाता है लॉजिकल एंड, ठीक है। तो दोस्तों इसका एग्जांपल देख सकते हो, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड एंड इंपरसेंट इंपरसेंट सी इक्वल इक्वल टू जीरो, इसका मतलब दोस्तों है ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होनी चाहिए और सी इक्वल इक्वल टू होना चाहिए जीरो, सी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए तभी ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ, उसका नाम है लॉजिकल और ऑपरेटर। तो दोस्तों लॉजिकल और ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए दो पैरेलल वर्टिकल लाइनें आपको दिख रही हैं तो इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका लॉजिकल और को डिनोट करने का तरीका है। तो दोस्तों लॉजिकल और ऑपरेटर कंबाइंस टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस इन सच अ वे दैट द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन गिव्स फॉल्स ओनली इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर फॉल्स। तो दोस्तों जो लॉजिकल और ऑपरेटर है वो फॉल्स वैल्यू तभी देगा जब दोनों जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो, ठीक है। अगर दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो दोस्तों जो लॉजिकल और है वो रिजल्ट आपको ट्रू दे देगा, ठीक है। जबकि एंड के केस में क्या था, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी ट्रू देगा, जबकि लॉजिकल और में अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू रिजल्ट देगा, ठीक है। फॉल्स कब देगा, जब दोनों फॉल्स हो तब, ठीक है। तो दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर डिनोट किस सिंबल से, ये आप देख सकते हो, आपका लॉजिकल ऑपरेटर डिनोट किया जाता है इस ऑपरेटर के थ्रू, आपका हॉरिजॉन्टल में दो लाइनें पैरेलल खींची हुई हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, इफ ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, दोस्तों तो इसका आपका क्या मतलब हुआ, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो या ए की वैल्यू सी से बड़ी हो तो दोस्तों ये पूरे एक्सप्रेशन की दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन सही हो गई तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी ए की वैल्यू बी से या तो बड़ी हो या ए की वैल्यू सी से बड़ी हो, दो में से एक अगर स्टेटमेंट सही हुआ तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों है लॉजिकल नॉट, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में जो तीसरा ऑपरेटर है वो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लॉजिकल नॉट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑपरेंड, ठीक है। तो दोस्तों लॉजिकल जो नॉट आपका ऑपरेटर है वो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूज किया जाता है, मतलब उसका अपोजिट निकालने के लिए या उल्टा निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसको डिनोट करते हैं इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल नहीं है, क्लियर। जैसे दोस्तों
थ्री इज नॉट इक्वल टू फाइव, जो थ्री वैल्यू है वो फाइव के इक्वल नहीं है। तो दोस्तों ये लॉजिकल आपका नॉट ऑपरेटर यूज हो गया, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। तो दोस्तों बिट वाइज ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज आर द ऑपरेटर्स यूजिंग विच दोज टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड विच आर जनरली परफॉर्म्ड थ्रू लो लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों जो लो लेवल लैंग्वेज में ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे शिफ्टिंग है, तो ये सब शिफ्टिंग करना, लेफ्ट शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग, इस प्रकार के ऑपरेशन आपके बिट वाइज ऑपरेशन कहलाते हैं, ठीक है। यूजिंग बिट वाइज ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स बिट ऑफ एनी नंबर कैन बी मैनिपुलेटेड। दोस्तों इसका नाम ही है बिट वाइज ऑपरेटर, मतलब किसी पर्टिकुलर एक बिट पे जाके ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है आपका बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें दोस्तों ऑपरेटर और इनके सिंबल नाम दे रखे हैं, उसको आप देख सकते हो। जैसे दोस्तों इसको बोलते हैं ये ऑपरेटर एम परसेंट, ठीक है। दोस्तों ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं पाइपलाइन, इसको दोस्तों बोलते हैं कैरेट, जो एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है इसको बोलते हैं दोस्तों टाइडल। दोस्तों जो आपका लेस देन बोलते हैं इसको बोलते हैं डबल लेस देन, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों डबल ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये आपके बिट वाइज ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है। आप इसकी मीनिंग भी देख सकते हो। तो दोस्तों जो इम्परसेंट है इसको बोलते हैं बिट वाइज एंड, और जो आपको सिंगल लाइन है इसको पाइपलाइन, इसको बोलते हैं बिट वाइज और। दोस्तों जो कैरेट है इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और या एक्सोर। और दोस्तों जो आपका टाइडल है इसको बोलते हैं इज कॉम्प्लीमेंट। और दोस्तों डबल लेस देन इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्टिंग ऑफ बिट्स। और दोस्तों राइट या आपको जो डबल ग्रेटर देन है इसका मतलब होता है राइट शिफ्टिंग ऑफ बिट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट शिफ्टिंग ऑफ बिट्स। ये आप टेबल ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, इसमें आपको मीनिंग पता चल जाएगी, ठीक है। कभी कभी इन ऑपरेटर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आपके इसके एग्जाम्पल की, ये कैसे काम करता है, ठीक, कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल देख सकते हो। सपोज मैंने नंबर लिया है 10010। तो दोस्तों इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो वन हो जाए, वन है वो जीरो हो जाएगा, जहां पे जीरो है वो वन बिट हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी जो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 01101, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आप किसी भी बाइनरी नंबर दिया उसका निकाल लोगे, मीन्स जो डिजिट जीरो है वो वन हो जाएगी, जो वन है वो जीरो हो जाएगी। अगला दोस्तों ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, जो आप देखिए ये भी बहुत रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सी लैंग्वेज में। तो दोस्तों एस्ट्रिक इक्वल टू इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई, डिवीजन इक्वल टू बोलते हैं डिवाइड, रिमाइंडर इक्वल टू इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, प्लस इक्वल टू एडिशन, माइनस इक्वल टू सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों वही अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाते हैं, बस असाइनमेंट यानी इक्वल टू ऑपरेटर और लग जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आप देख सकते हो C इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब है कंटेंट ऑफ A और B वेरिएबल का ऐड होके ट्रांसफर कहां दोस्तों होगा, C वेरिएबल में। तो जो इक्वल है इसका मतलब है कि जो फाइनली रिजल्ट इसमें लेफ्ट में आएगा। तो याद रखना कंप्यूटर साइंस में दोस्त हमेशा जो डेटा है या इन्फॉर्मेशन का फ्लो राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों बात करते हैं इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो द इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर क्वांटिटी बाय वन बिट, ठीक है। तो दोस्तों इंक्रीमेंट क्या करता होगा ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक बिट वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता होगा और डिक्रीमेंट एक बिट वैल्यू डिक्रीमेंट कर देता होगा। तो दोस्तों जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो एक बिट हमेशा वैल्यू को बढ़ा देता है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को एक बिट बढ़ा देता है, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस प्लस, या आप कह सकते हो डबल प्लस, ठीक है। इस डबल प्लस सिंबल के थ्रू इंक्रीमेंटल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये याद रखना डबल प्लस जहां पे लगा वो इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है। आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो, इफ ए इक्वल टू फाइव देन प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर ए की वैल्यू पांच है तो प्लस प्लस ए, इसका मतलब बोल दोस्तों जो आपका इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है वो दो प्रकार का होता है, प्री इंक्रीमेंटल एंड पोस्ट इंक्रीमेंटल। तो दोस्तों पहले अगर आपका इंक्रीमेंटल लग गया तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंटल, और दोस्तों वेरिएबल के बाद में जब इंक्रीमेंटल ऑपरेटर लगे तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंटल, ठीक है। तो दोस्तों दस वैल्यू ऑफ ए बराबर हमने पांच लिया था, तो दोस्तों जो प्री इंक्रीमेंटल है इसका मतलब है कि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट करो फिर उसको वेरिएबल की वैल्यू यूज करो। तो दोस्तों पहले इसकी वैल्यू इंक्रीज किया तो वैल्यू कितनी हो गई, एक छह हो गई, ठीक है।
और दोस्तों ए प्लस प्लस का मतलब होता है पहले वैल्यू यूज करो उसके बाद इंक्रीमेंट करी कीजिए, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो बस यही डिफरेंस है प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस में, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं डिक्रीमेंटल ऑपरेटर की। तो डिक्रीमेंटल ऑपरेटर इज यूज टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर क्वांटिटी बाई वन बिट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई माइनस माइनस, डबल माइनस कह सकते हो, ठीक है दोस्तों, डबल माइनस सिंबल से इसको यूज करते हैं, किसको, डिक्रीमेंटल ऑपरेटर को। यह भी दोस्तों दो प्रकार का होता है, प्री डिक्रीमेंटल एंड पोस्ट डिक्रीमेंटल। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने एग्जाम्पल लिया है अगर ए की वैल्यू 5 है तो दोस्तों ए माइनस माइनस और माइनस माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों सेम यही है, ए माइनस माइनस का मतलब है पोस्ट डिक्रीमेंटल एंड माइनस माइनस ए का मतलब है प्री डिक्रीमेंटल। तो दोस्तों ए माइनस माइनस का मतलब है कि ए की वैल्यू पहले जो है वो यूज की जाए उसके बाद डिक्रीमेंट हो, और दोस्तों माइनस माइनस ए का मतलब है पहले वैल्यू आपकी डिक्रीमेंट की जाए उसके बाद यूज किया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो, एग्जाम्पल में ए की वैल्यू 5 थी तो ए माइनस माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, और माइनस माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, मतलब पहले वैल्यू आप डिक्रीमेंट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स की। अब दोस्तों बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर की। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, सी हैज अ क्लास ऑफ ऑपरेटर्स दैट एक्ट अपॉन अ सिंगल ऑपरेंड टू गिव अ न्यू वैल्यू। तो दोस्तों यूनरी का मतलब होता है एक। तो दोस्तों ऐसे ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पे, एक वेरिएबल पे काम कर सके, एक वेरिएबल पे परफॉर्म कर सके, तो उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे माइनस ए वैल्यू उसको प्लस से निगेटिव कर देना या निगेटिव को पॉजिटिव कर देना, ठीक है। जैसे दोस्तों देख सकते हो दीज टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर नोन एज यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। द मोस्ट कॉमन यूनरी ऑपरेटर इज माइनस। तो दोस्तों जो माइनस आपका ऑपरेटर है ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, एक बार यूजीसी नेट में पूछा गया था कि यूनरी ऑपरेटर इनमें से कौन है, ठीक है। तो आप फ्रेंड एक इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 8, सी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू